पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर परमाणु से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का कामयाब परीक्षण किए जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, पाक सेना ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को एक साथ कई लक्ष्य भेदने की तकनीक से लैस बताया है। दरअसल पाक की ICPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने दावा किया है कि 2200 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से जमीन तक मार करने वाली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का पहला सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील को मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस एक साथ अनेक आयुध ले जाने में सक्षम बताया है। ISPR की माने तो अबाबील में इतनी क्षमता है कि वह उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के रडारों को भी मात देने में सक्षम है और साथ ही एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेद सकती है। आपको बता दें कि बीते साल 9 दिसंबर को पाकिस्तान ने पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर 3 के सफल परीक्षण का दावा किया था और अब वह परमाणु और कई नई तकनीकों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील के सफल परीक्षण का दावा कर रहा है। भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के पूर्व प्रमुख और अग्नि समेत बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की लंबे वक्त तक अगुवाई कर चुके डॉक्टर अविनाश चंदर ने पाक की बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील को दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य के लिए नया खतरा जरूर करार दिया है, लेकिन साथ ही पाक की इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए भारत के प्रतिरोधक इंतजाम को सक्षम और भरोसेमंद बताया है। फिलहाल अबाबील के किसी भी हमले के खिलाफ भारतीय जाल भी कम मजबूत नहीं है। पिछले काफी वक्त से भारत दो स्तरीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है जिसमें वातावरण के बाहर और अंदर हमलावर मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।